बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में रस्साकशी का दौर देखने को मिल रहा है। तो साथ ही आपको बता दें, सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दंगल देखा जा रहा है। सीटों के हवाले से खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के उपचुनाव में 3 से 4 सीटें मांगी है और समाजवादी पार्टी ने 1 से 2 सीटें देने को ही समाजवादी पार्टी तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है। सीट बंटवारे पर राहुल गांधी अब बैठक भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में रस्साकशी का यह दौर देखने को मिल रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दंगल देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब रस्साकशी देखने को मिल रही है। साथ ही सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। सूत्रों के हवाले से तो कांग्रेस ने उपचुनाव में 3 से 4 सीटें मांगी हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी 1 से 2 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उपचुनावों को लेकर कहीं ना कहीं रस्साकशी देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों में दंगल देखने को मिल रहा है। वो पार्टी जो लोकसभा चुनावों में गठबंधन के तौर पर लड़ी थी, अब कहीं ना कहीं वो दोनों पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आमने सामने नजर आ रही हैं। तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 से 2 सीटें देने को तैयार है। इस हवाले से खबर है, सीट बंटवारे पर राहुल अब बैठक भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में रस्साकशी का माहौल है और सूत्रों का कहना है सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दंगल देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने उपचुनाव में 3 से 4 सीटें मांगी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मात्र 1 से 2 सीटें देने को ही तैयार है।